स्लोवाकिया में मछली को बाथरूम टब में रखना ज़रूरी है। 6 चीज़ें जो दूसरे ममालिक में आम हैं लेकिन हमारे लिए अजीब हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुस्सत्तार और आप देख रहे हैं एस इन्फो टीवी। दुनिया भर में 190 से ज़्यादा ममालिक फैले हुए हैं और इन में से हर एक का अपना मुनफरद सकाफ़ती ज़ाबत है। अगर ये बात सकाफ़ती पहलुओं से हम आशना हो सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे हकायक भी हैं जिनको सिर्फ एक नए मुल्क में अपने तजुर्बे के जरिए ही सही मानों में समझा जा सकता है। हमने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से दिलचस्प हकायक जमा किए हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए हमारी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्लोवाकिया में क्रिसमस का खाना बाथरूम टब में। स्लोवाकिया में क्रिसमस की एक मुनफरद रवायत है। लोग कार्प मछली को जो रात के खाने के लिए है कुछ दिनों के लिए बाथरूम टब में तैरने देते हैं। ये मशहूर कार्प को इसके निज़ाम इनज़ाम को साफ करने में मदद देती है, लिहाजा इस वक्त के दौरान लोग इस वक्त तक गुसल खाने नहीं करते जब तक कि वो मछली के साथ अपना बाथरूम टब शेयर न कर लें। पनीर के बड़े पहिए का पीछा, ये एक जाबत तौर पर एक खेल है जिसे कोपर्स हिल चीज रोल एक मुकाबला है जिसमें लोग पनीर के एक बड़े पहिए का पीछा करते हैं। 200 गज की पहाड़ी से नीचे दौड़ते हैं और इस दौरान वो कई बार गिरते भी हैं। ये रिवायत कहां से आई इस बारे में कई नज़रियात हैं, ताहम कुछ अफराद का कहना है कि ये जरखेजी की रस्म हो सकती है। कपड़े खुश करने के लिए बांस का इस्तेमाल। सिंगापुर में कपड़े खुश करने के लिए पाइप सॉकेट सिस्टम नामी एक मुनफरद तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम में बांस को बांस के खंभों पर एक साफ कपड़े लटकाए जाते हैं जो फिर बावर्ची खाने की खिड़कियों के बाहर सॉकेट में डाल दिए जाते हैं। जैसे झंडे के खंभों की तरह पाइप सॉकेट सिस्टम आमतौर पर पुराने पब्लिक हाउसिंग सोसाइटियों में पाए जाते हैं जहां आबादी की अक्सरियत रहती थी। तंग और खड़ी सीढ़ियां, कुछ गैर मुल्कियों के लिए नीदरलैंड्स में सीढ़ियां किसी भी चीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे सकती हैं। ये तारीखी तामीराती अंदाज की वजह से जिसमें इमारतों की जगह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हर मुमकिन सेंटीमीटर के बजट की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। लक्सबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसने हर एक के लिए मुल्क भर में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पेशकश की है। आपको सिर्फ इस वक्त टिकट की ज़रूरत है जब आप कौमी ट्रेनों में फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं या अगर आप सरहद अबूर करके जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम जाने का इरादा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे के बाद काफ़ी नहीं पीते। इटली में आमतौर पर सुबह के वक्त कैपेचिनो का लफ्ज़ उठाया जाता है। इतालवी नाश्ते आमतौर पर छोटे और मीठे होते हैं और कैपेचिनो में दूध के वाफर मकदार एक तौर पर एक छोटे खाने के तौर पर आम करती है, लेकिन ये काफ़ी सुबह सवेरे ही पी ली जाती है क्योंकि ये सुबह के वक्त खाए जाने वाले खाने या नाश्ते की तकमील करती है। डियर व्यूअर्स, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपने होस्ट अब्दुस्सत्तार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।